अमेरिका ने लिया भारत पर कठोर फैसला, भारत को नहीं मिलेगा MQ-9 ड्रोन। भारत ने अमेरिका से की थी 30 MQ-9 की डील, आखिरी वक्त पर अमेरिका ने दिया भारत को धोखा। NSC सीमा पर फिर हुई चीनी सेना के साथ झड़प, जिनपिंग की बौखलाहट हुई तेज। दोस्तों पूरा मैटर क्या है, क्यों अमेरिका ने एक बार फिर से भारत से अपनी दोहरी नीति दिखाई है, उसके पहले आप नव भारत टाइम्स में प्रकाशित हुई इस खबर को देखिए, जिसमें लिखा गया है अमेरिका ने भारत को MQ-9 ड्रोन की बिक्री पर रोक लगा दी है। यानी कि जो ड्रोन की डील अमेरिका के साथ भारत ने की थी वो ड्रोन भारत को नहीं मिलने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो खतरनाक ड्रोन जिसका नाम MQ-9 है, जिसे अमेरिका ने कासिम सलेमानी को ठोकने के लिए इस्तेमाल किया था, वो ड्रोन भारत ने भी उसका मुआहदा कर लिया अमेरिका से, ताकि वो पाकिस्तान पर या फिर किसी भी पड़ोसी को उससे परेशान कर सके। लेकिन दोस्तों MQ-9 के साथ ऐसा क्या हो गया कि अब अमेरिका ने कह दिया है कि वो MQ-9 ड्रोन इंडिया को नहीं देने वाला। उसकी एक बड़ी वजह ये कह रहे हैं कि खालिस्तानी लोग हैं जिन्होंने अमेरिका में एहतजाज करके कहा कि भारत के साथ की हुई सारी डील खत्म कर दो, जिनमें एक बड़ी डील ये थी कि आप अमेरिका भारत को MQ-9 ना दे, और उसी के साथ दूसरी चीज ये थी कि वो उसे अब्दोजे भी ना दे। $3 बिलियन का ये 30 ड्रोन जो थे दोस्तों वो अब कैंसिल हो चुके हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने तो ये वैसे ही बात की थी, बल्कि अमेरिका इस मुआहदे को आगे लेकर चलेगा। दोस्तों ये मुआहदा अमेरिका की जानिब से खत्म हो गया है, जबकि वजीर खारजा से जब पूछा गया तो उसने कहा कि ये ड्रोन का मुआहदा अभी तक तय तो नहीं हुआ, लेकिन इस पर बातचीत चल रही है। जबकि अमेरिका से ये तो खबर आ गई है, क्योंकि अमेरिका 26 जनवरी में जो भारत में परेड थी उसके लिए जो बाइडन को दावत दी गई थी, और जो बाइडन ने इनकार कर दिया है कि वो भारत जैसे मुल्क में जो टेररिस्ट को पालता है, टेररिस्ट की एक पनागा है, उसमें नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर ये थी कि इनकार के बाद डायरेक्ट अमेरिका ने ना ही 30 ड्रोन जो $3 बिलियन का मुआहदा था उसे खत्म कर दिया, बल्कि साथ में अमेरिका ने ये सरप्राइज दिया कि वो अब्दोजे भी अब भारत को नहीं देने वाला। अब भारत की चीहें तो आसमान पर पहुंच रही है और अमेरिका की बदनामी और उससे गालियां देना शुरू कर चुके हैं। जबकि पाकिस्तानी सहाफी ने एंटोनी ब्लिंकन से पूछा था तो उसने कहा था कि इस पर बातचीत चल रही है, लेकिन असल बात तो ये है जो कि अमेरिकन पेंटागन डिफेंस डिपार्टमेंट से आई है, वो यही है कि भारत को इस ड्रोन की बदल तक नहीं दी जाएगी। दोस्तों ये एक जदीद स्टेल्थ ड्रोन है जो अभी तक आपकी बरतानिया एयरफोर्स, इटली एयरफोर्स और अमेरिकन एयरफोर्स के अंडर यूज है, और 2300 से ज्यादा यूनिट अभी तक इस ड्रोन के काम कर रहे हैं। ये जबरदस्त ड्रोन है जो पाकिस्तान के TB2 ड्रोन जो पाकिस्तान ने तुर्की से खरीदे थे अजरबैजान की जंग के बाद, वो ड्रोन खरीदे थे, तो अमेरिका ने ये ड्रोन खरीदने का मुआहदा कर दिया है। दोस्तों पाकिस्तान से भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा पीछे है, पाकिस्तान बुराक ड्रोन बनाता है, और इसी के साथ पाकिस्तान चाइना से जदीद ड्रोन भी खरीद लेता है और फिर तुर्की से भी ले लेता है, तो फिर भारत पर बहुत ज्यादा बढ़त हो जाती है। लेकिन भारत इस कमी को पूरा करने के लिए कासिम सलेमानी को ठोकने वाला ड्रोन खरीद लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो डील कैंसिल हो जाती है। अब इसराइल से मांगेगा, लेकिन इसराइल नहीं दे पाएगा क्योंकि इसराइल खुद एक जंग में मसरूफ है। इन्हीं ड्रोन को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किया जाने की योजना थी, लेकिन अमेरिका ने फिर से भारत को बता दिया है कि अगर हम पर भरोसा करोगे तो धोखा ही खाओगे। वहीं अभी हाल ही में जब भारत अपने रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहा था तो उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि के रूप में भारत इनवाइट करना चाहता था, लेकिन वे नहीं आए और हवाला दिया गया कि चुनावों के कारण वे बिजी है। लेकिन अगर वे आते और पीएम मोदी के साथ दिखाई देते तो लगता भारत और अमेरिका के बीच संबंध अपने मजबूत दौर से गुजर रहे हैं। वहीं जब वे लौटते और फिर अमेरिका से खबर आती कि अमेरिका से भारत को दिए जाने वाले ड्रोन की डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है, तो यह बिल्कुल न बर्दाश्त किए जाने के काबिल हो जाता। दोस्तों इस पूरे मामले को विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे, आखिर अचानक से अमेरिका ने क्यों भारत को दिए जाने वाले 30 MQ-9 ड्रोन पर रोक लगा दी है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई साजिश तो नहीं रच रहा, या फिर किसी और देश का दबाव अमेरिका के ऊपर है जिससे उसने ड्रोन ना देने का अचानक से फैसला कर लिया है। वहीं इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में आपको बताएंगे, और यह खबर भारत और चीन से जुड़ी हुई है। चीन की सेना एक बार फिर भारत की सीमा के अंदर घुसने के लिए आगे बढ़ रही थी, जिसके चलते फिर से चीनी सेना के साथ जोरदार झड़प हुई है। जिनपिंग एक बार फिर से भारत की असल ताकत को देख बौखलाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों इन दोनों खबरों को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उसके पहले आप अपने देश के लिए कमेंट में एक जय हिंद जरूर लिखें। 23 साल पहले 2 फरवरी 2001 को पहली बार MQ-9 ड्रोन ने उड़ान भरी थी। इस ड्रोन का निर्माण जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम के द्वारा किया जाता है। मौजूदा वक्त में इन ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका की एयरफोर्स के साथ इटालियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक अब तक इसके 300 से ज्यादा यूनिट तैयार किए जा चुके हैं।
इस ड्रोन को ताकतवर ड्रोन के रूप में गिना जाता है। इस ड्रोन को दिन रात या किसी भी मौसम में तैनात किया जा सकता है। वहीं यह अन्य ड्रोन की तुलना में अधिक दूरी तक उड़ान और जटिल मिशनों को संभालने में सक्षम है। समुद्री क्षेत्र में तैनात करने के लिए इसके अंदर 360 डिग्री समुद्री रेखी रडार का उपयोग किया गया है। इसकी काबिलियत को देखते हुए भारत ने भी अमेरिका के साथ तकरीबन $3 बिलियन में 30 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की डील की थी। 10-10 की संख्या में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को MQ-9 ड्रोन दिए जाने थे, लेकिन 31 जनवरी को MQ-9 ड्रोन को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसने भारत और अमेरिका की दोस्ती पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। दरअसल खबर थी कि भारत को दिए जाने वाले ताकतवर ड्रोन MQ-9 की डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है। तो आखिरकार क्यों अमेरिका ने अचानक से MQ-9 ड्रोन की डिलीवरी पर रोक लगा दी, जिसके पीछे का कारण है खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या। दरअसल भारत को टुकड़ों में बांटने के मिशन पर काम करने वाला यह आतंकवादी दोहरी नागरिकता रखता था। इसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता थी। इसका काम था बस भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिशें रचना। तो आखिरकार अमेरिका ने MQ-9 की डिलीवरी पर जो प्रतिबंध लगाए हैं वे आखिरकार कब तक लिए हैं? क्या अमेरिका कभी भी भारत को MQ-9 ड्रोन नहीं देने वाला है? तो इस पर अमेरिका ने शर्त रखी है कि जब तक भारत सरकार खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की हत्या की कथित साजिश की सार्थक जांच नहीं कर लेती तब तक इन ड्रोन की डिलीवरी नहीं की जाएगी। वैसे तो भारत ने अमेरिका से 30 MQ-9 ड्रोन की डील $3 बिलियन में की थी। वहीं अगर इसके एक ड्रोन की कीमत की बात की जाए तो MQ-9 ड्रोन के एक यूनिट की कॉस्ट 460 करोड़ रुपए है। अमेरिकी वायुसेना पिछले 13 सालों से इसका इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें यह वही ड्रोन है जिसने जनरल सुलेमानी पर हमला किया था। सुलेमानी की हत्या के लिए सबसे पहले इसे ड्रोन को ईरान के अंदर पहुंचाया गया और ईरान के रडार इसे पकड़ तक नहीं पाए। फिर यह बगदाद एयरपोर्ट के आसमान में पहुंचा और बहुत देर तक मंडराता रहा था कि जनरल सुलेमानी पर हमला कर सके। जैसे ही जनरल सुलेमानी बगदाद एयरपोर्ट से निकलकर अपनी कार में बैठने जा रहे थे तभी यह नीचे की ओर आकर ऐसा हमला किया कि सुलेमानी की कार के परखच्चे उड़ गए। इसके अलावा नवभारत टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक MQ-9 ड्रोन के साथ ही बोइंग P-8I लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान पर भी अमेरिका ने रोक लगा दी है। दोस्तों अब आप यहां पर अमेरिका का दोगलापन देखिए। अमेरिका के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले किसी भी आतंकवादी को अमेरिका किसी भी देश में घुसकर मार देता है, लेकिन जब किसी और देश के द्वारा ऐसा किया जाता है तो अमेरिका उसे बर्दाश्त नहीं करता। अभी तक कोई सबूत भी नहीं मिले हैं कि भारत ने पन्नू की हत्या कराई हो, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका के द्वारा MQ-9 ड्रोन की डिलीवरी पर रोक लगा दी गई, जो भारत की छवि के लिए बिल्कुल भी अमेरिका का फैसला सही साबित नहीं हो सकता। बहरहाल दोस्तों यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। यह खबर भारत और चीन से जुड़ी हुई है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर एक बार फिर से चीनी सेना के साथ जबरदस्त भिड़ंत हुई है। चीन लगातार भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने की फिराक में बैठा रहता है। कभी अरुणाचल प्रदेश तो कभी लद्दाख में चीन की निगाहें टिकी रहती है। 2020 में गलवान घाटी में इसी के चलते भारतीय सेना और चीनी सेना में जबरदस्त झड़प हुई थी। वहीं अब नियंत्रण रेखा से जिस झड़प की खबर आई है इस झड़प में भारतीय सेना तो शामिल नहीं थी, बल्कि भारतीय सेना की जगह पर भारतीय लोग थे जो चीनी सेना के आगे बिना डरे सीना तान कर खड़े हो गए। दरअसल पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर कुछ हिंदुस्तानी अपनी भेड़ बकरियों को चराने पहुंच गए, जिसको लेकर चीनी सैनिकों ने उन्हें जानवरों को चराने से रोक दिया। हिंदुस्तानी नहीं माने, जिसके चलते दोनों पक्षों में झड़प हो गई। दरअसल गलवान घाटी की हिंसा के बाद इस क्षेत्र में चीन ने भारतीय चरवाहों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से कुछ हिंदुस्तानी अपने परंपरागत चारागाह पर पहुंचे तो चीन की PLA सेना ने उन्हें रोक दिया। इस पर हिंदुस्तानी चरवाहों ने उनसे न सिर्फ भिड़ंत की बल्कि उनको दो टूक में यह भी कहा कि यह भारतीय क्षेत्र के इलाके हैं और ऐसा करने में हमें कोई रोक नहीं सकता। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।